गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ना सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर. ओपन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक एंड ओपन योर इंडेक्स सीरीज नंबर 5 प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, इंडेक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओपन योर न्यू पेज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, नाउ दिस वीडियो for the present continuous tense explain and write exercise is write in your english grammar notebook. इस वीडियो में मैं जितना भी आपको एक्सप्लेन करूंगी या मैं जितना भी दिखाऊंगी वो आपको इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है. ओके, जैसे कि दिस वर्ब्स आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. जैसे कि दिस फ्रॉम consist of the is, are or am plus verb plus ing. जैसे कि मैंने आपको verbs लिखाए थे ना, past participle और verbs, उसी तरह से am, is और are इसमें use होगा जो हमने first semester में सीख लिया था. am, is, are plus verb plus ing, यानी कि last में ing लगाना है. okay, we use this tense to express an action that is going on at the moment. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डेफिनेशंस ऐसे हेडिंग लिखने के बाद ये सभी डेफिनेशंस लिखनी है. ये लिखने के बाद आपको ये बॉक्स भी ड्रॉ करना है. ओके ओके, ये डेफिनेशंस लिखने के बाद आप लोगों को ये बॉक्स भी ड्रॉ करना है. इसमें भी आपको पता चल जाएगा जैसे कि नाउन्स और प्रोनाउंस, एम इज आर, वर्ब प्लस आईएनजी एंड एग्जांपल्स, ये भी आपको ड्रॉ करना है. ये डेफिनेशंस लिखने के बाद ये बॉक्स ड्रॉ करना है पहले और लिखना है इंग्लिश की इंग्लिश ग्रामर के नोटबुक में. ओके, जैसे कि प्रोनाउंस, तो सिंगुलर प्रोनाउंस है कोई भी, ही, शी, इट, तो उसमें क्या आएगा, इज. प्यूलर प्रोनाउंस है कोई, प्यूलर नाउंस है कोई भी, थे, वी या फिर यू, तो उस सेंटेंस में क्या आएगा, आर. एंड आई है तो एम. वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या हुआ, प्ले, प्लस आईएनजी मतलब प्लेइंग. जैसे कि एग्जांपल, रितु इज प्लेइंग, रितु इज अ शी, है ना, गर्ल है ना, शी, ही या फिर इट इज प्लेइंग. द गर्ल्स आर प्लेइंग, द गर्ल्स एंड बॉयज आर प्लेइंग, या फिर दे, वी, यू आर प्लेइंग एंड आई एम प्लेइंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको डेफिनेशंस लिखने के बाद ये बॉक्स भी आपको ड्रॉ करके लिखना है. ओके, नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स यानी कि ये ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स है उसका यूज करके हमें यहाँ पे आंसर लिखना है. मतलब एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, उसका यूज करके. ओके, जैसे कि फर्स्ट, द बेबी ब्लेंक्स नाउ, द बेबी ब्लेंक्स नाउ टू क्राई, ट्राई फिर लगाना है, द बेबी ब्लेंक्स है तो एम इज या आर क्या आएगा, गुड, इज, तो क्राई का क्या हो जाएगा, लास्ट में आईएनजी लगाना है मतलब क्राइंग. तो यहां पे आंसर आपको क्या लिखना है, इज, ऐसे लिखना है, आपको पेन से ही लिखना है. ओके, मैं आपको दिखा रही हूं इसलिए, इज क्राइंग, ऐसे इज क्राइंग करके लिखना है, द बेबी इज क्राइंग नाउ, हो गया. इसलिए मैंने फ्रॉम द ब्रैकेट्स लिखा है क्योंकि ब्रैकेट्स का यूज करके आपको लिखना है. ओके, सेकंड है, लिसन भैरवी ब्लैंक्स टू सिंग, मतलब लिसन भैरवी इज सिंगिंग. थर्ड वन, सी दैट चाइल्ड ब्लैंक्स फाइन टॉयज टू मेक, तो क्या आएगा, इज मेकिंग, इज मेकिंग. फोर्थ, अवर डॉग ब्लैंक्स नाउ टू बार्क, तो इज बार्किंग, क्या आएगा, इज बार्किंग.
एम इज आर भी आपको आगे लिखना है, ओके। एम आता है, आर आता है या इज आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो लिख के फिर उसका वर्ब लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इज क्राइंग, इज सिंगिंग, उसी तरह से। फिर फिफ्थ, आई ब्लेंक्स एन ऑरेंज ईट, तो क्या आएगा, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। नेक्स्ट, यू ब्लेंक्स अंडर अ मैंगो ट्री स्टैंड, तो क्या आएगा, आर स्टैंडिंग। सेवंथ, राजू भाई ब्लेंक्स बलून्स सेल, तो इज सेलिंग, एस ई डबल एल आई एन जी, सेलिंग। बी ब्लेंक्स अ लेटर राइट, तो वी आर राइटिंग अ लेटर। दे ब्लेंक्स कॉफी ड्रिंक, तो आर ड्रिंकिंग। एंड रतन ब्लेंक्स ऑन द बेंच सीट, तो इज सीटिंग। ओके, ये ब्लैंक्स है जिसका एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, जैसे मैंने आपको सिखाया, मैंने आंसर्स भी बोले, ये भी आपको लिखना है। ओके, 1 to 10 है, आंसर्स मैंने बोले हैं, वो आपको ब्लैंक्स में फिल करके लिखने हैं। ओके, नाउ स्टार्ट वाज द फर्स्ट डेफिनेशंस, फिर बॉक्स, इस बॉक्स में तो ही आपको पता चल जाएगा, एंड फिर ब्लैंक्स। ओके, ये क्या है, द कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव फॉर्म्स, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगी, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूं। ओके, ये लिखना नहीं है। एग्जाम्पल्स, ही इज रीडिंग अ बुक, तो ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, ये इंट्रोगेटिव है, पहले क्वेश्चन पूछना है फिर इंट्रोगेटिव में। शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर, तो इज शी सिटिंग ऑन अ चेयर, इज शी नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर। आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, एम आई राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, आई एम नॉट राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म्स है, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूं, ये नोटबुक में लिखना नहीं है। ओके, आपको नोटबुक में लिखना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डेफिनेशंस, ये बॉक्स ड्रॉ करके लिखना, और ये ब्लैंक्स ड्रॉ करके लिखनी है, ये ब्लैंक्स लिखनी है। ओके, ये सभी आपको लिखना है, इंट्रोगेटिव फॉर्म्स है जो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किए हैं। ओके, थैंक यू।